Hello everyone, my name is Chirag Vasist and I am civil engineering expert from TCA training and development. And आज हम डिस्कस करेंगे सिविल के सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि सिविल के सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं और उनके क्या क्या यूजेज हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का बेसिक सॉफ्टवेयर. द सिविल का बेसिक सॉफ्टवेयर होता है ऑटो कैड. ऑटो कैड में आपके कुछ पार्ट्स होते हैं 2D, 3D एंड आइसोमेट्रिक. अब फर्स्ट ये कि ऑटो कैड होता क्या है, यूज़ क्या करते हैं इसका. तो ऑटोकैड एक 2D ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर होता है. जितनी भी आपकी प्लानिंग्स होती हैं बिफोर कंस्ट्रक्शन, वी नीड ए प्लान. वो प्लान जिसमें ये दिखाया जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें फेसिंग कैसे आएंगी, आपका फेसिंग क्या होगी, आपके साइजेस क्या होंगे, वॉल्स के थिकनेस कितनी होंगी और आपके रूम्स, डोर, विंडो, हर एक वो कॉम्पोनेंट जो एक प्लानिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें ऑटोकैड के अंदर आएंगी. दैट मीन्स एक बेसिक प्लानिंग 2D ड्राफ्टिंग सब ऑटोकैड के से डिज़ाइन करते हैं. अब ऑटोकैड के अंदर थ्री फीचर्स होते हैं, 2D, 3D एंड आइसोमेट्रिक. 2D मतलब आप एक सिंपल एक लेआउट. सिंपल लेआउट मीन्स कि आप एक टॉप व्यू से देख सकते हैं कि क्या ऑटोकैड का प्लान आपका बना हुआ है, उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल किया गया है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डोर विंडो किस तरह से एडजस्ट करें, वो सारी चीज़ें 2D प्लानिंग में हम देख सकते हैं. देन आइसोमेट्रिक क्या होता है? आइसोमेट्रिक होता है एक 3D रिप्रेजेंटेशन इन 2D प्लेन. लाइक हमें एक 3D में और आइसोमेट्रिक में डिफरेंस यही होता है कि 3D में हम 6 फेसेस को देख सकते हैं किसी भी ड्राइंग के, बट आइसोमेट्रिक में हम सिर्फ 3 फेसेस को देख सकते हैं. तो प्रोजेक्शंस दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. एंड 3D मीन्स एक 3D मॉडलिंग. सो 3D मॉडलिंग का मतलब आप उसके 6 के 6 फेसेस देख सकते हो. तो ऑटोकैड में 2D एंड आइसोमेट्रिक तो काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन 3D इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें 3D में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मॉडलिंग नहीं कर सकते हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें पॉसिबल्स नहीं है एडिटिंग के. तो अगर मैं जाऊँ एडिटिंग के फील्ड में तो एडिटिंग में उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मूव करते हैं रेविट की तरफ. रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर इसका नाम होता है, जो 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर होता है. 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर कंप्लीटली इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. अब इसमें क्या होता है, आप किसी भी एक प्रोजेक्ट को 3D में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट या आपका बनाया हुआ जो घर है जिसका आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हो या वो बिल्डिंग है, वो बनने के बाद उसका व्यू कैसा आएगा. दैट मीन्स डोर एंड विंडो आप ओरिजिनली दिखा सकते हो, रूम के अंदर का सीन कैसा होगा, उसके अंदर फर्नीचर्स अगर हम प्लेसमेंट करेंगे एंड लाइटिंग सिस्टम लगाएंगे तो वो कैसा व्यू आएगा, पेंट कौन सा करना है, कैसा पेंट लगाना है. दैट मीन्स एक वो रियल इफेक्ट देख सकते हैं जो आपका प्लान बनने के बाद दिखाई देगा. दैट मीन्स पूरी फिनिशिंग होने के बाद आप देखते हैं कि हमारा घर कैसा अंदर से लग रहा है, दैट मीन्स रूम कैसा लग रहा है या फिर किचन कैसा लग रहा है, वो हम पहले से ही मेजरमेंट करके देख सकते हैं कि अब ये एक बहुत एक फ्यूचरिस्टिक प्लान हो गया. लाइक किसी चीज़ को बनाने से पहले ही हम ये देख पा रहे हैं कि वो बनने के बाद कैसा लगेगा, और अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम बिफोर कंस्ट्रक्शन उसमें चेंजेस कर सकते हैं. तो ये उसकी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ को करने से. ये बेनिफिट है आपका 3D मॉडलिंग का रेविट से. देन एक और सॉफ्टवेयर आ जाता है 3ds Max का. ये भी 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है, सेम 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर, बट डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा एडवांस हो गया रेविट के अकॉर्डिंग. एडवांस में क्या हो गया कि आप इसमें एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं. लाइक 3D मॉडलिंग आप रेविट से बनाते हो, आप सिंपल एक 3D मॉडल बना सकते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए, बट आप 3ds Max से करते हैं तो आप उनमें एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं, चीज़ों को मूव करके दिखा सकते हैं. आप चीज़ों को मूव करके दिखाएंगे कैसे, दैट मीन्स कि अगर मैंने किसी पर्सन को वहाँ पे दिखाया तो मैं उस पर्सन को मूव करके दिखा सकता हूँ कि अगर वो रोड पे चल रहा होगा तो कैसा होगा, या मैंने अगर कार लगाई है तो वो कार अगर चलेगी तो कैसे लगेगी, या कैमरा अगर हमने लगाया तो कैमरा अगर मूवमेंट करेगा रूम के अंदर तो वो रूम कैसा दिखाई देगा. तो एनिमेशन इफेक्ट प्लस थोड़ी सी 3D मॉडलिंग और एडिटिंग एक्स्ट्रा हो जाती है. एक्स्ट्रा मीन्स डीप फीचर्स मिल जाते हैं इसमें, क्योंकि कंप्लीटली इंटीरियर एक्सटीरियर का सॉफ्टवेयर होता है. बट रेविट में क्या है कि रेविट आपका इंटीरियर एक्सटीरियर का तो होता ही है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में भी काम आता है और MEP में भी काम आता है, बट ये कंप्लीटली इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए होता है. अब मैक्स के अंदर हम कुछ और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं एडिशनल, फोटोशॉप एंड वीरे. फोटोशॉप एंड वीरे हम यूज़ करते हैं जब कोई 3D मॉडल बनाने के बाद अब उसका रेंडरिंग इमेज निकाल लोगे, देन उसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए, उसके बैकग्राउंड को चेंजेस करने के लिए, उसके कलर इफेक्ट डालने के लिए हम फोटोशॉप या वीरे का यूज़ कर सकते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए. तो ये तो रही आपकी बात 2D एंड 3D मॉडलिंग की. देन व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स मीन्स क्या, कि मैंने किसी प्लान का
एक प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर लिया, दैट मीन्स किसी कंस्ट्रक्शन होने से पहले मैंने किसी ही एक स्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, प्रोजेक्ट से मीन्स 2D लेआउट उसका प्रिपेयर कर लिया, एंड 2D लेआउट के बाद मैंने उसका 3D मॉडल भी बना लिया। अब वो मैंने रैबिट से बनाया, 3ds Max बनाया, दिस इज माई चॉइस, आपको जो आता है आप उससे बना सकते हैं। आप एनिमेशन इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप 3ds Max से भी दिखा सकते हैं, अगर आप नॉर्मल 3D व्यू दिखाना चाहते हैं तो आप रैबिट के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड अब क्या है कि मुझे ये देखना है कि मेरा कॉस्ट कितनी होगी या फिर मेरे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स कितनी होगी, यानी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल बिफोर कंस्ट्रक्शन क्या मैं कैसे जान सकता हूँ, और क्वांटिटी मेजरमेंट्स कैसे ले सकते हैं। तो वो सब होता है आपका स्टेड प्रो एंड ई टैब्स के थ्रू। अब करते हैं कि मुझे ये दिखाना है कि मेरे जो बीम कॉलम्स हैं, बीम एंड कॉलम्स, उन बीम्स एंड कॉलम्स के अंदर स्टील कितना होगा या फिर उनके अंदर कंक्रीट कितना होगा, कंक्रीट के अंदर आपका सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उसका सारा वैल्यू निकालने के लिए कि वो कितना होगा, एंड उस पर अगर मैं इसको, ये डिज़ाइनिंग पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग पार्ट में हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देन एनालिसिस पार्ट में हम और भी काम कर सकते हैं एनालिसिस में, कि उसका शीयर फोर्स डायग्राम SFD एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिफ्लेक्शन डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम्स, स्ट्रेस एट एवरी पॉइंट, वर्टिकल रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें आ जाती हैं। तो दैट मीन्स ऐसा डेटा निकालने के लिए मुझे स्टेड प्रो का यूज़ करना होता है, जिसमें मैं मटेरियल्स की क्वांटिटी एंड एनालिसिस के एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करा सकते हैं कि अगर एक बीम पे लोड लग रहा है तो व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर अप्लाइड लोड। आप वो सारी चीज़ें एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं, एंड डिज़ाइनिंग के थ्रू, स्टेड प्रो की डिज़ाइनिंग के थ्रू आप मटेरियल की क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। देन ई टैब्स भी एक लेटेस्ट वर्जन है, जैसे मैंने बताया रेविट के बाद 3ds Max है, सेम ऐसे ही स्टेड ब्रो के बाद एक ई टैब्स भी है जो आपका थोड़ा लेटेस्ट वर्जन पे वर्क करता है। इसके अंदर भी हम बीम कॉलम का डिज़ाइन करते हैं, बट इसमें डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा आ जाती है स्टेड के कंपेयर में। स्टेड प्रो में जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, सेम हम ई टैब से कर सकते हैं। ये एक नया सॉफ्टवेयर है जो दूसरी कंपनी ने बनाया, स्टेड प्रो बेंटले ने बनाया था, और ई टैब CSI एक ने CSI कंपनी ने बनाया हुआ है, कंप्यूटर एंड स्ट्रक्चर्स इंडस्ट्रीज में। तो इसके थ्रू भी हम सेम वर्क करते हैं, बीम कॉलम एंड स्लैब डिज़ाइनिंग का। देन इसमें बीम कॉलम स्लैब डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर इसमें भी यूज़ होता है। देन एक और सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं टेक्ला। टेक्ला मीन्स जो बेसिकली इसका काम होता है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा यूज़ करती हैं इसको स्टील के लिए, कि अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर पे वर्क करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टील के लिए सिर्फ यही सॉफ्टवेयर है, आप ई टैब से और स्टेड प्रो से भी स्टील डिज़ाइन कर सकते हैं, बट ये कुछ चॉइस होती है कि स्टील के लिए हमें काम करना है तो हम बेसिकली इस सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे, एंड ई टैब्स एंड स्टेड प्रो हम बीम कॉलम के डिज़ाइन करेंगे या स्लैब का डिज़ाइन करेंगे, दैट मीन्स एक बिल्डिंग डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर। तो ये आपके तीनों ही बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब वो चॉइस होती है कि क्या कौन कौन सी कंपनी किस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है अपने ही प्रोजेक्ट के लिए। देन आफ्टर दैट एक और सॉफ्टवेयर होता है स्टेप 2000। ये भी आपका एक स्ट्रक्चर का ही सॉफ्टवेयर है, सेम इसके लिए, इसको भी बीम कॉलम के लिए ही यूज़ करते हैं, बीम कॉलम डिज़ाइनिंग के लिए। और बीम कॉलम के लिए बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें यही चीज़ें बीम एंड कॉलम को डिज़ाइन करते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में आप अदर चीज़ें भी डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे स्टेड प्रो में स्टील भी हो रहा है एंड ई टैब्स में भी हो रहा है एंड स्लैब डिज़ाइनिंग भी हो रहा है, एंड टेक्ला में आपका स्टील बेसिकली ज़्यादा कर रहे हैं एंड स्टेप में आपका बीम एंड कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो चॉइस है आपकी कि आप किस सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, और आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीख के किस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो चॉइस पे डिपेंड करता है। देन एक और सॉफ्टवेयर आता है आपका MX Road। MX Road आपका पूरे हाईवे डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कि हाईवे डिज़ाइनिंग कहाँ पे कैसे बनानी है, उसके सारे पैरामीटर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या लेंगे हम, किस तरह से हाईवे को डिज़ाइन करेंगे, टोटल जो उसकी रिक्वायरमेंट और जो टोटल आपको डिटेलिंग है वो सारी इसके इसके थ्रू आपको निकालना है और इसी के थ्रू आपको डिज़ाइन करना है। तो ये काफ़ी रोड, जो रोड के कंस्ट्रक्शन में वर्क करते हैं रोड प्रोफाइल पे, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वहाँ पे इसको करने से काफ़ी सिंपल हो जाता है कि हम प्रोजेक्ट को कैसे वर्क करें। देन इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आता है MSP एंड प्राइमवीरा। दो सॉफ्टवेयर अलग अलग हैं ये, हालांकि MSP एंड प्राइमवीरा यूजेस क्या है कि आपने जो अभी तक वर्क मैंने आपको बताया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में मैंने आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया, तो इन इंट्रोडक्शन में एक ये चीज़ आती है कि MSP एंड प्राइमवीरा
कि कोई भी अगर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर कोई रोड का चल रहा है या किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, उसके अंदर उसको मैनेजमेंट करने के लिए, दैट मीन्स आपको मैनेजमेंट क्या करना है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, मटेरियल्स कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, लेबर को कितना मिल रहा है, इंजीनियर कितना ले रहा है, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट कब है, प्रोजेक्ट की एंडिंग डेट कब है, प्रोजेक्ट बीच में कब रुका है, देन हर एक चीज़ से रिलेटेड, हर फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो सारी आप कैसे मैनेज करोगे। प्रोजेक्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा करोड़ों का प्रोजेक्ट है, तो अगर करोड़ों में 1-2 लाख का या फिर हजारों में अगर कहीं इधर उधर हो जाता है पैसा, तो उसका कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ हुई, तो वो काफ़ी लॉस हो सकता है अगर हम एक मैनेजमेंट नहीं देखेंगे। तो MSP एंड प्राइम बीरा इसी के लिए यूज़ करते हैं। MSP मीन्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये आपका सिंगल किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। मैनेजमेंट का टोटल सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स आप देखोगे कि स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट से लेकर एंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट तक हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, कितना हमारा खर्चा हुआ, कितना हमारा यूजेस हुआ, कितना पैसा किसको गया, कितना मटेरियल आया, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, जिसको हम मैनेजमेंट के लिए ही बेसिकली यूज़ करते हैं। और अब इसके बिना तो एक रफ हो जाता है, अगर हम कहीं डिटेलिंग या कहीं पे हम देखते हैं कि टोटल मेरी कॉस्ट कितनी चल रही है स्टार्टिंग एंडिंग तक, तो ये एक आपका फेयरली आपको एग्जैक्ट दे देता है एग्जैक्ट कि कितना मेरा सब कुछ लग रहा है, कोस्ट से लेके मटेरियल से लेके और जितना भी आपका देना लेना हो रहा है वो सारी चीज़ें इसमें डिवाइड हो जाती हैं। देन प्राइम बीरा भी सेम इसकी तरह होता है, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करता है। जब आपका प्रोजेक्ट मोर देन 20 करोड़ का हो जाए तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हम ऐसे पे वर्क करें जो प्राइम बीरा पर है। अब ये ऑनलाइन चलता है सॉफ्टवेयर, इसमें आप सारी चीज़ें ऑनलाइन दिखा सकते हो। MSP आपका ऑफलाइन भी चल जाता है, लेकिन हम ये आपका प्राइम बीरा ऑनलाइन चलता है। इसमें भी सेम प्रोजेक्ट की आपको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, जहाँ पे आपकी 2 या 3 साइट एक साथ चल रही हो उनको मैनेज करना है, तो वहाँ पे आप प्राइम बीरा का यूज़ कर सकते हैं मैनेजमेंट के मैनेजमेंट दिखाने के लिए और ये कैलकुलेट करने के लिए कि मेरा टोटल कॉस्टिंग्स या फिर जो मेरा जितना भी मटेरियल आया है या फिर जितना भी मेरा पैसा गया है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन था इन सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में कि ये सॉफ्टवेयर्स क्यों यूज़ होते हैं और इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं और आपको कहाँ पे जाना है, जॉब के लिए किस फील्ड में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, किस कंपनी में किसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या सॉफ्टवेयर करके वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।